इंदौर के एरोड्रम के अग्रसेन नगर चौराहे पर ठेले खड़े कर फूड बेचने वाले विक्रेताओं के खिलाफ निगम ने कार्रवाई की। कार्रवाई से आक्रोशित निगम के विरोध में फल फ्रूट विक्रेताओं ने सड़े हुए फल सड़क पर फेंक विरोध दर्ज कराया। गुरुवार शाम अग्रसेन चौराहे पर उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब नगर निगम के जोन क्रमांक 2 की टीम यहां खड़े फल फ्रूट बेचने वालों पर कार्रवाई करने पहुंची। नगर निगम के कर्मचारियों ने विक्रेताओं को समझाया कि आप अपने ठेले यहां से हटाएं, आप लोगों को गलियों में घूम घूम कर बेचने की परमिशन है। इसके बाद फल फ्रूट विक्रेताओं ने अपने सड़े हुए फल सड़क पर फेंक कर हंगामा मचा दिया। इस दौरान काफी देर तक सड़क पर यातायात अवरुद्ध होता रहा। खराब जो फल फ्रूट है उन्हें वापस उड़ेल दिया नीचे और उसके ऊपर ये लोग कैसा कर रहे हैं। इनको बोला कि इधर दुकान नहीं लगाना, इनको बोला हमने कि यहाँ से आप लोग ये सब हटा लीजिए। इनको समझाइश दे रहे थे और समझाई देते हुए जा रहे थे आगे, तो इन लोगों ने ऐसा ही इधर कर दिया। नहीं इनको क्या, इनको खड़े रहने की परमिशन नहीं। इनको हमने बोल रखा सब कि इधर पे आप खड़ा नहीं करोगे, आप चलते फिरते बेचोगे जो भी सामान है उसको, सिर्फ चलते फिरते बेचना है, एक जगह खड़ा नहीं करना है। तो ये लोग क्या है, यहाँ पर इन्होंने परमानेंट स्थल बना लिया है कि यहीं से हम लोग बेचेंगे, तो इनको इसलिए हटवा रहे थे हम। ये इन्होंने खुद ही फेंके, इनके जो खराब फल फ्रूट थे इनको इन्होंने खुद ही जानबूझ के फेंक दिया है। ये गाड़ी में डालने वाले थे, कचरा गाड़ी में, तो इन्होंने यहीं इनको उल्टा करके इधर ये सब करा है। हंगामे के बाद मलारगंज थाने के पुलिस जवानों ने आकर भीड़ को तितर बितर कर उन्हें शांत करवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज, इंदौर।